राजनीति में लिया गया कोई फैसला जी, और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है, और मनाने वाले लोग समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करने में सफल होते, तो शायद आज इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता। मुख्यमंत्री सर, बड़ा आपका सम्मान करते हैं, हम तो कई बार देखे आपको अपने साथ लेके चलते थे, भाई स्वामी जी फोन मिलाओ और चलो साथ में चलते हैं, और यहाँ तक शीर्ष नेतृत्व भी आपको बड़ा सम्मान करता था, क्या हो गया सर? देखिए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का काम जी बोलता था, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो काम था श्रमिकों के हितों में, वो एक ऐतिहासिक काम था। आपको याद होगा विगत सरकारों के 8 साल में श्रमिकों का पंजीयन जहां मात्र 34 लाख था, 4.5 साल में हमने 1,30,00,000 के पार किया। विगत 8 वर्षों में पूर्व की सरकारों में जहां कुल श्रमिक लाभार्थी 7 लाख थे, आज उनकी संख्या हमने 1 करोड़ के पार किया। तो स्वाभाविक रूप से यह स्वामी प्रसाद मौर्य का काम बोलता था कि जो श्रमिक के यहाँ कभी कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता था, उसकी बेटी की शादी में 5,500 से भी ज्यादा लोग आते थे, और मुख्यमंत्री दर्जनों कार्यक्रम में जा चुके हैं, यहाँ तक कि दर्जनों सांसद विधायक आते थे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का करिश्मा था, और यही कारण है वो सबके सिर चढ़ बोलता था। सर, कितने अभी तक बड़े बड़े शीर्ष नेताओं का फोन आपके पास आ चुका सर मनाने के लिए, क्योंकि सर लंबी लिस्ट है जिनका फोन लगातार आपके पास आ रहा है। देखिए, अब मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब किसी भी बड़े या छोटे नेता का टेलीफोन मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। सर, आप 2 घंटे दारा सिंह जी के पास बैठे, आप बड़े अच्छे संबंध है दारा सिंह जी, लेकिन दारा सिंह अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, राजनीति में हर नेता अपने तौर तरीके से निर्णय लेता है। मैं जब बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिया था तो उस समय भी मैं किसी सलाह मशवरा नहीं किया था, बहुत सोच समझ करके हमने वो निर्णय लिया, क्योंकि उस समय बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन से और मान्यवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हट करके दलित विरोधी काम करने लगी थी, जिसका मैंने कड़ा प्रतिवाद किया था और इस्तीफा दिया था। आज भी मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और यो कहिए कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरने का पाप किया, और यहाँ तक कि एक ओर तो कहते हैं बाबा साहब और के भारतीय संविधान के हम सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। जहां पर आरक्षण से लोग चयनित होते हैं, ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, चाहे राष्ट्रीय सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे प्रांतीय सरकारी प्रतिष्ठान हो, सरकारी प्रतिष्ठान के साथ साथ अर्ध सरकारी और साथ ही सरकार द्वारा अनुदानित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा पोषित जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी में आरक्षण के माध्यम से भर्तियां होती हैं, और इन सभी संस्थानों को बारी बारी से ये निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, और निजी क्षेत्रों में जाने का मतलब आरक्षित वर्ग के लोगों का आरक्षण का सुपड़ा साफ।